पिछले दिनों बीजेपी कार्यालय के पास शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे वार्ड सचिवों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा करते हुए लोक जनशक्ति पार्टी चिराग गुट ने कई सवाल उठाए हैं। पार्टी के प्रवक्ता विनीत सिंह का मानना है कि बीजेपी कार्यालय के पास ही लाठीचार्ज करवाना कोई मात्र संयोग नहीं, इसके पीछे राजनीति है। नीतीश कुमार बीजेपी को इशारों में ही कुछ बताना चाहते हैं। इंग्लिश में एक कहावत है कि जब when the candle is near its end, it starts flickering more। अर्थात जब मोमबत्ती का बुझने का समय आता है तो ज़्यादा फड़फड़ाता है। नीतीश कुमार जी के निरंकुश शासन का अंत बिल्कुल नज़दीक है, इसलिए वो ज़्यादा फड़फड़ा रहे हैं। आज जो उनकी पुलिस ने, निरंकुश पुलिस ने वार्ड सचिवों पे लाठियां भांजी हैं, इस ठंड में वाटर कैनन छोड़ा है, आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, उस भीड़ पे जिस भीड़ में बुजुर्ग हैं, माताएँ हैं, बहनें हैं, उनके साथ उनके दूध हुए बच्चे हैं, जो 14 दिन से पटना राजधानी में पड़े हुए हैं, पर नीतीश कुमार जी को ये कहीं से भी उचित नहीं लगा कि किसी मंत्री को भेज के, किसी अधिकारी को भेज के, या खुद चले जाएं या किसी को बुला लें ताकि बात कर सकें। आप लोगों को 4 साल काम करवाते हैं, 2 साल की सैलरी नहीं देते हैं, और अचानक एक दिन आउट ऑफ योर विम्स एंड फैंसी आप उन लोगों को निकाल देते हैं नौकरी से। अब ये बताइए, इस साल के अंत में जब हर कोई नए साल के सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहा है, आज इन वार्ड सचिवों के पास 2 साल के सैलरी नहीं है। ऊपर से जब ये अपनी मांग शांतिपूर्ण तरीके से रखते हैं तो सरकार उनको पीटती है। ये वही नीतीश कुमार जी है ना, जब किसान आंदोलन चल रहा था तो ये केंद्र को ज्ञान बांट रहे थे कि केंद्र को दोबारा सोचना चाहिए, केंद्र को किसानों से बात करना चाहिए। अब क्या हो गया? अब बात करना तो दूर, आप सोचते हैं कि भाई मेरी लाठी है तो मेरी बहस होगी, हम इनको पीटेंगे इनको। तो ये जो अमानवीय कृत्य है ये निंदनीय तो है ही, लेकिन साथ में मैं निवेदन भी करूंगा कि माननीय उच्च न्यायालय इस घटना का संज्ञान ले, नीतीश कुमार और सरकार से पूछे कि क्या ये उचित है कि जो लोग अपने काम का मुआवजा मांग रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, जो कि भारतीय संविधान के अनुसार उचित है, उन पर लाठियां बरसाई जाए। और नीतीश कुमार जी, आखिरी में ये हमें मालूम है कि आपको बहुत घमंड है कि आप तख्तनशी हैं, यकीन मानिए, ये भी हम जानते हैं कि आपको अपने खुदा होने पे बहुत यकीन है, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि आपको अपने कुकर्मों की सजा यहाँ पे भुगत के ही जाएंगे। आप जनता आपसे जवाब मांगेगी और आपको जवाब देना पड़ेगा। और ये क्या मात्र इत्तेफाक है कि बीजेपी ऑफिस के सामने प्रदर्शनकारियों को पीटा गया है, उन पर लाठियाँ भांजी गई हैं, या कहीं ये तो नहीं कि जदयू या नीतीश कुमार जी बीजेपी को कुछ इशारा कर रहे हैं? जैसा कि हम सब जानते हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हमेशा कहते हैं कि एनडीए के ये 2 घटक दलों में, बीजेपी और जदयू में, सब चीज़ ठीक नहीं है। तो ये मैं भी जानना चाहूँगा और बिहार की जनता भी जानना चाहेगी कि ये जो लाठियां भांजी गई हैं बीजेपी ऑफिस के सामने प्रदर्शनकारियों पर, तो क्या ये जेस्चर है या किसी आने वाले चीज़ का इशारा है जो सरकार करना चाहती है?